Yes, it's a very interesting question. Among the young people, usually hereditary factors sometimes are seen in families, that their genes are degrading at an earlier stage, or jo unke morusi taur pe hi kuch aging ka element hota hai kuch families mein. Other factors which are usually seen and which are modifiable, jinhe tabdeel kiya ja sakta hai, uske andar ye hai ki kuch log smoking ki aadat rakhte hain. Agar smoking ki aadat zyada arse tak chal rahi hai aur smoking ki miqdar matlab frequency zyada hai, to uski wajah se skin mein kafi sare damaging molecules jo hain wo aa jate hain aur nicotine deposits bhi ho jate hain, jiski wajah se 90 degree angles ke upar eyes aur lips ke irdgird jo hai wo wrinkling dekhi gayi hai. इसके अलावा जो हमने नोट किया कुछ ऑक्यूपेशन हैं जिनमें स्ट्रेस का एलिमेंट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, अलॉन्ग विद दैट सेडेंट्री मोड है, यानी पेशेंट को बैठना पड़ रहा है काफ़ी घंटों के लिए. उसकी वॉक एक्सरसाइज जो कि स्किन सर्कुलेशन को, खून के दौरानियों को जल्द में और बालों में, इवन नाखनों के बेड्स में, नेल बेड्स में इंप्रूव करने के लिए ज़रूरी है, वो नहीं हो पाती. तीसरी चीज़ जो हमने देखी कुछ ऑक्यूपेशन में सन एक्सपोजर और सन टैनिंग बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर जो लोग फसलों का काम करते हैं, किसान हैं, गार्डनर्स हैं, मिलिट्री पर्सनल, सिक्योरिटी गार्ड्स. और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कुछ लोग हैं जिनको नींद के मसाइल हैं और वो रात को सोने से पहले कैफीनेटेड ड्रिंक्स ले लेते हैं. इसकी वजह से ये होता है कि मज़ीद उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हाई शुगरी डाइट्स ले लेते हैं, नींद नहीं आती रात को. और ओवर द काउंटर मेडिकेशन के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी कि सम फीमेल्स आर यूजिंग ओवर द काउंटर टॉपिकल मेडिकेशंस जिनमें मर्करी, स्टीरॉयड्स, इस तरह के एलिमेंट्स हैं. ये सारी चीज़ें करती हैं कि इनको बिल्कुल बारीक कर देंगी और इसके अंदर डैमेज इतना करेंगी कि वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, उसको काफ़ी मज़ीद ट्रीटमेंट्स के बाद भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि लोग जो है इस तरह की कोई मेडिसिन अप्लाई ना करें जो ओवर द काउंटर है, जिनके बारे में इंग्रीडियंट्स की श्योरिटी उनको नहीं है. वन अदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट के पेशेंट्स जो है वो छोटी स्क्रीन्स के ऊपर पढ़ने के आदि होते हैं. छोटी स्क्रीन्स में पढ़ने से होता ये है कि हमारी आंखों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से रिंकलिंग पैरी और ऑकुलर एरिया जो आंखों के इर्द गिर्द एरिया वहाँ पे और माथे के ऊपर पढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस है. इन चीज़ों से अवॉइड करें, कोशिश करें जब आपने लिटरेचर पढ़ना है बड़े फॉन्ट का साइज़ रखें, अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर लें, कोई ऐसा तरीका करें जिससे आपकी आंखों पर स्ट्रेन ना पड़े. ये चीज़ जो है ये भी रिंकलिंग के अंदर एक इफेक्टिव टेक्निक है रिंकलिंग से बचने की. और कुछ लोगों को आदत होती है एक ही पोस्चर में सोने की, तो उनको चाहिए अपने पिलोस की पोजिशन चेंज करते रहें, अपने सर के सर को पिछली साइड पर रख के सोने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही रिपीटेड पोस्चर में सोने की वजह से भी उस साइड पर फेस की रिंकलिंग ज़्यादा हो जाती है. सन से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करें, ये चीज़ें ज़रूरी हैं. और हमने देखा कि कुछ फीमेल्स जो हैं वो स्क्रब करवाती हैं रिपीटेडली, वो चली जाती हैं पार्लर्स में और रिपीटेडली एक्सफोलिएट करा रही हैं, स्क्रब करवा रही हैं, जितनी कि उनको ज़रूरत भी नहीं है, जिसकी वजह से स्किन में जो नेचुरल एक रिपेयर का प्रोसेस चल रहा था वो सारा वहीं डिस्टर्ब्ड हो जाता है. तो इन चीज़ों से थोड़ा सा गुजर कीजिए. वो फीमेल्स जो कि डाइटिंग कर रही हैं और बहुत एग्रेसिव किस्म की डाइटिंग कर रही हैं और अनसुपरवाइज डाइटिंग हो रही है, उसमें ये होता है कि जो चिकनाई वाली झिल्ली है हमारी जिल्द की जो नीचे है वो एकदम से श्रिंक हो जाती है और ऊपर वाली जिल्द जो है वो लटक जाती है, जिसकी वजह से रिंकल्स और जो ये दड़ाड़े हैं जिल्द में बहुत ज़्यादा नुमाया हो जाती हैं. तो आई विल रिकमेंड कि डाइटिंग करें लेकिन सुपरवाइज और न्यूट्रिएंट के साथ करें.